या प्लीज। ओके सो हाय, मैं सोफिया रॉय एंड आज मैं मिलेदा के साथ मेरा फर्स्ट प्रोफाइल शूट कर रही हूँ यहाँ पे। सो इट्स बेसिकली आवर थीम, राइट? या एब्सोल्युटली। सो ऑन ग्लैमर लुक्स, सो वी आर डूइंग दिस। सर आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका? आपने तो बहुत सारे फोटोशूट किए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर? बेसिकली इट्स अ वेरी सैटिस्फैक्टरी शूट फॉर मी। और पहले बार मैंने जब किया था प्रोफाइल मैंने इंस्टाग्राम में देखा तो मुझे लगा कि इसमें काफ़ी बहुत बहुत दम है इसमें, तो आई ब्लिस्टर्ड आउट इन इंस्टाग्राम, सेंड लॉट्स ऑफ मैसेजेस। मैंने उनका टाइम ही नहीं हो रहा था रिप्लाई करने के लिए, फाइनली शेयर रिप्लाई, और उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई तुम एक बार आ जाओ, लेट मी डू सम शूट विद यू। You'll see the difference. So finally she listened to me and she came down all the way from Calcutta to do a shoot. And I think she has an amazing talent and very good face and appropriate face for, you know, like Bollywood and for series. And also as well as OTT platforms. So since it was in a profile photo shoot, how was it? How was your experience working with Hanan? Are you excited, nervous? Yeah, I was what excited. Was a bit nervous because मैं मुंबई में मेरा पहला शूट है ये, so I came to him and he is doing amazing. Thank you so much. Right. Also pictures are like so amazing. You guys wanna see that? Can we expect some project or something? If you can talk about that also. I'm introducing her to Lakmani Production Houses directors and producers, and we have got very promising feedbacks. So hopefully like something will be there. नीलाधर सर कितना एंजॉय कर रही है और शूट करते हैं? बहुत मजा आ रहा है, मतलब नीलाधर सर पहली बार काम करके लग नहीं रहा कि पहली बार है, इस सीमिंग लाइक बहुत पुराना दोस्ती है, या वी नो ईच अदर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सेम फीलिंग्स मुझे। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एवरीबॉडी कॉम्ड है एंड कैलकटा या एवरीथिंग ऑल ऑडियंस, ऑडियंस से तो सपोर्ट मांगना है बस। क्या I came, I saw, and I go. So I want their support obviously to grow. The audience is everything for us. We are nothing without the audience, right? So that's the scene. Bandhani film mein aapne ki hai, Cheeta ke saath bhi kaam karne ka kya plan hai? Bandhani aapko Cheeta. Haan, man to hai. और हिंदी में कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिसे इसके साथ काम करना चाहेंगे आपके साथ? मन बनाया है कभी या सोचा है कि ये मेरा ड्रीम है ऐसा कुछ? ड्रीम तो सबका है शाहरुख खान सर के साथ काम करना, तो देखते हैं। एनी ऑफ योर ड्रीम डायरेक्टर यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर, इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट? ड्रीम डायरेक्टर, या सर संजय लावंसारी? वाओ, ऑब्वियसली वाओ। It's a big thing. It's a long journey. For like आप अपने मुंबई आए हैं, कई actresses आते हैं, कई actors आते हैं. How do you keep it like cool and go ahead? Like सोच के ही आ पाए होंगे, because आप मुंबई में बड़ा आए तो. We don't know what's gonna happen in future, but try तो कर सकते हैं. That's we are मतलब कोशिश कर रहे हैं. Let's see. I'm giving my 100%. आपके fans follow also क्या रहे हैं India? To give love, to give support, and that's all. And keep following. Yes. OTT भी एक बहुत बड़ी बड़ा माध्यम आज के टाइम पे, बहुत लोग जैसे फिल्मों में कई बार काम नहीं होता, OTT में काफ़ी काम होता है, काफ़ी पॉपुलर होते हैं, तो क्या OTT के लिए भी आप सोचेंगे? हाँ, obviously. I think she is open for everything, like you know, any good project which comes in her way. Web series, movies. मैं काम को डिफरेंशिएट नहीं करती, मेरे लिए सीरीज भी जितना इंपॉर्टेंट है, मूवीज भी उतना इंपॉर्टेंट है, सो ऑल वर्क इज सेम फॉर मी। और लाइक हैव यू डन सम एक्टिंग और कोर्स और इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के हैं कि आप यहां भी करने का सोचे ऐसा कुछ? नहीं, इंस्टीट्यूशन मैंने कभी नहीं लिया, पर मैंने वर्कशॉप लिया है सर अरिमन भट्टाचार्य से इन बंगाल, सो फ्रॉम देयर।
बंगाली फिल्म मेकर्स बहुत बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस सत्यजीत के नाम से, क्या लगता है आपको वो लीगेसी को हिंदी फिल्मों में आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे फाइनली सर? आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड देखते हैं, लाइक यू नो शी इज बेसिकली माय डिस्कवरी एंड आई विल डू माय लेवल बेस्ट टू प्रमोट इन द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन. Thank you. Thank you. Wish you all the best.